वाला, ये नाम एक बड़े ही रईस व्यापारी का था। रुस्तम घोड़े वाले के अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे। रुस्तम की एक बेकरी भी थी। हर महीने रुस्तम घोड़े वाले के घोड़े एक रेस में भाग लेते थे, जिसे देखने बहुत सारे लोग आते थे। बाकी समय रुस्तम अपनी बेकरी में बैठा करता था। अब तक दोनों व्यापार रुस्तम घोड़े वाला खुद ही संभाल रहा था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। तुम्हें क्या लगता है, मुझे अस्तबल को संभालने का काम किसे देना चाहिए, नवीन को या ईशान को? आप ये जिम्मेदारी दोनों को क्यों नहीं दे देते? नहीं नहीं, अगर मैं ये जिम्मेदारी दोनों को दे दूं, तो उनके आए दिन झगड़े होंगे। इससे हमारे परिवार की सुख शांति बिगड़ सकती है। इसलिए मैंने सोचा है कि अस्तबल का व्यापार एक बेटे को दे दूं और दूसरे को बेकरी दे दूं। लेकिन कौन सा किसे? यही तो समझ नहीं आ रहा। जो अस्तबल के लायक हो उसे ही अस्तबल दीजिए। हाँ, ये अच्छा है। रुस्तम ने अपने दोनों बेटों को अस्तबल में बुलाया। आज मैं तुम दोनों को अपना एक एक घोड़ा दे रहा हूँ। नवीन, ये तुम्हारा है और ईशान, ये तुम्हारा। अगले 6 महीनों तक तुम्हें इन दोनों घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है पापा। रुस्तम ने घोड़े दे दिए। अब वो अपने दोनों बेटों पर ध्यान देने लगा। शुरू शुरू में दोनों बेटे अपने अपने घोड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। वो उन्हें अच्छे से खिलाते पिलाते और समय समय पर उन्हें नहलाते भी थे। वो दोनों नियमित तौर पर घोड़ों की सवारी भी किया करते थे। लेकिन 1 महीने बाद रुस्तम ने देखा कि नवीन अपने घोड़े पर अब पहले जैसा ध्यान नहीं देता था। क्या हुआ, तुमने अपने घोड़े को नहलाया नहीं? वो आज ईशान उसे नहलाएगा। ठीक है। ईशान को घोड़ों में बहुत दिलचस्पी थी। वो अपने घोड़ों को खिलाता पिलाता और नहला धुला के घुमाया भी करता था। कुछ महीनों बाद रुस्तम ने देखा कि ईशान ही दोनों घोड़ों की देखभाल कर रहा है। क्या हुआ, आजकल नवीन दिखाई नहीं दे रहा है? भैया बेकरी गए हैं, उन्हें कुछ काम था। ठीक है। और 6 महीने बाद रुस्तम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। तुम दोनों को पता है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया? नहीं पापा। आज मैं अपने व्यापार का बंटवारा कर रहा हूँ। लेकिन पापा, इसकी क्या जरूरत है? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। मैं और तुम्हारी मम्मी यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहो और तुम दोनों में कभी झगड़ा ना हो। इसलिए आज मैं अपना व्यापार बांट दूंगा। तुम दोनों को याद है, मैंने 6 महीने पहले तुम दोनों को एक एक घोड़ा दिया था? हाँ बाबा, हनी एंड बनी। हाँ, वो दोनों तो ईशान के पास है। एकदम सही। नवीन, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने घोड़े ईशान को क्यों दे दिए? पापा, पहले तो मैं घोड़े को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन फिर मैं बोर हो गया, इसलिए मैंने घोड़े ईशान को दे दिए। गुड। और ईशान, तुमने नवीन का घोड़ा क्यों लिया? क्योंकि मुझे घोड़े पसंद है। वेरी गुड। नवीन, तुम फ्री टाइम में क्या करते हो? कुछ नहीं, अपनी बेकरी जाकर बेक करता हूँ। और वो क्यों? क्योंकि मुझे बेकिंग पसंद है। वेरी वेरी गुड। अब तुम दोनों ने खुद ही बोल दिया है, ईशान तुम्हें घोड़े पसंद है और नवीन तुम्हें बेक करना, राइट? राइट। तो इसीलिए मैं अपना अस्तबल ईशान को दे रहा हूँ और नवीन तुम्हें बेकरी। मुझे नहीं लगता कि अब तुम दोनों के बीच में कभी झगड़ा होगा। बिल्कुल नहीं पापा। यू आर ग्रेट पापा। तो इस तरह से रुस्तम घोड़े वाले ने अपने व्यापार का बंटवारा करते हुए भी अपने परिवार को एक माला में बांध दिया, क्योंकि इसके बाद नवीन और ईशान कभी भी व्यापार के लिए झगड़ेंगे नहीं। है पानीपत के एक छोटे से गांव की, जहां लाला भूपेंद्र का अच्छा खासा दबदबा था। लाला भूपेंद्र के बड़े बड़े खेत थे, जहां गांव के अधिकतर लोग मजदूरी किया करते थे। क्यों मुनिम जी, बताइए कि हमारे अलावा इस गांव में कोई और बाहुबली है क्या? नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं, एक आप ही बाहुबली है। लाला भूपेंद्र को वाहवाही लूटने का बड़ा शौक था। लाला भूपेंद्र का एक बेटा था देवेंद्र। लाला अपने लाडले की हर इच्छा पूरी करता था। उसके लिए नई साइकिल और ढेर सारे खिलौने भी लाया करता था। समय रेत की तरह बीता। अब देवेंद्र 15 वर्ष का हो चुका था। आज भूपेंद्र से मिलने उनके पुरोहित जी आए थे। आइए महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। व्यापार में सब कुशल मंगल ना? आपकी ही कृपा है महाराज। रुक्मिणी और देवेंद्र ने भी पुरोहित से आशीर्वाद लिया। देवेंद्र बहुत बड़ा हो गया है। हाँ महाराज, और मैं इसे आपके पास लाने ही वाली थी, ताकि आप इसका भी भविष्य बता सके। देवेंद्र, अपना हाथ दिखाओ हमें। पुरोहित जी ने बड़े
गौर से देवेंद्र का हाथ देखा। क्या हुआ महाराज, कोई चिंता का तो विषय नहीं है? है तो, इसके भाग्य में है कि ये हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहेगा, कभी ये खुद से अपनी रोटी तक नहीं कमा पाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा बेटा है, मेरा वंशज। आपकी बात बिल्कुल गलत है। आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है और ये भी नहीं होगी। ऐसा बोलकर पुरोहित जी वहाँ से निकल गए। अब भूपेंद्र चिंतित हो गया, वो सोचने लगा, कहीं पुरोहित जी की बात सच हुई तो? नहीं नहीं, देवेंद्र जरूर कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और अगले ही दिन से भूपेंद्र ने देवेंद्र को अपने खेतों में बुलाया। मुनीम जी, आज से आप देवेंद्र को कारोबार का समझाइए। ठीक है लाला जी। मुनीम जी ने देवेंद्र को नफा तोटा समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सब बातें देवेंद्र के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। तुम समझ गए क्या छोटे लाला जी? शायद हाँ। अब मुनीम जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे छोटे लाला को कारोबार समझाएंगे। अगले दिन मुनीम जी ने देवेंद्र को खेतों के पास बैठकर मजदूरों पर नजर रखने कहा, लेकिन देवेंद्र तो देवेंद्र था, वो बैठे बैठे सो गया। और जब भूपेंद्र वहाँ पर आया तो उसने अपने लाडले की अच्छी खबर ली। ये रोज का था, देवेंद्र को कारोबार में रत्ती भर की भी दिलचस्पी नहीं थी। 2-3 साल बीत गए और अब भूपेंद्र कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया। भाग्यवान, कहीं पुरोहित जी की बात सच हो गई तो? आप ही तो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हम क्या करें? मेरा तो ये सुझाव है कि हमें देवेंद्र की शादी किसी अच्छी लड़की के साथ कर देनी चाहिए। जब परिवार की जिम्मेदारी आएगी तो वो अपने आप कारोबार में दिलचस्पी भी दिखाएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, जिम्मेदारी इसे बदल सकती है। और 6 महीने बाद भूपेंद्र ने देवेंद्र की शादी उसके मित्र उद्धव सिंह की बेटी दुर्गा से करवा दी। अब देवेंद्र की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन वो अब भी सुस्त और आलसी ही था। वो काम पर सो जाया करता था, उसे हिसाब किताब की जरा भी समझ नहीं थी। देवेंद्र की शादी के कुछ सालों बाद भूपेंद्र की तबीयत खराब होने लगी। अब वो सोच में पड़ गया कि उसका कारोबार कौन संभालेगा। तभी उसने देखा, मुनीम जी, कल आपने कहा था कि आपने भंडार में 10 बोरी अनाज रखा है। जी छोटी मालकिन, रखवाया तो था। तो आज वहाँ सिर्फ 9 बोरी अनाज कैसे? क्या सारे परिवार ने एक दिन में 1 बोरी अनाज खा लिया, या बोरी को जमीन निकल गई? वो शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी छोटी मालकिन। आप बोरियों में गलती करते हैं, न जाने कारोबार कैसे संभालते होंगे। और बस, लाला भूपेंद्र को अपना कारोबार संभालने वाली मिल गई। अगले दिन से लाला अपनी बहू को अपना कारोबार संभालने ले गए और कुछ ही दिनों में दुर्गा ने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। उसका बेटा देवेंद्र निकम्मा का निकम्मा ही रहा, लेकिन अपनी बहू को देखकर लाला भूपेंद्र बहुत खुश थे। कम से कम किसी ने तो मेरा व्यापार संभाला। लेकिन तभी उन्हें पुरोहित जी की बात याद आई। भाग्यवान, शायद पुरोहित जी सच थे, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि हमें इतनी अच्छी बहू मिल जाएगी।